हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया पिथमकुर में। आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री एग्जाम होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए। कुछ कमेंट ये भी देखने को मिले कि क्वांट में हमारे बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं और हमें क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ का डर लग रहा है। अगर आरआरबी पीओ प्री एग्जाम की बात करें तो लगभग हर सेप्ट में क्वांट का लेवल कैलकुलेटिव और लेंथी देखने को मिला है। मतलब कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे थे कि आखिर कौन से क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे। देखो दोस्तों, दो प्रकार का लेवल होता है, एक तो टफ लेवल, और जब टफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो पता रहता है कि यार नहीं बनेगा, उसको हम स्किप कर देते हैं। और एक लेवल कैलकुलेटिव और लेंथी देखने को मिलता है, जब पता रहता है कि क्वेश्चंस तो बन रहे हैं लेकिन उनमें टाइम लग रहा है। और यही लेवल हमें आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम में देखने को मिला है। आपसे क्वेश्चंस बन रहे थे लेकिन उन्हें काफी टाइम लग रहा था, और टाइम वही लिमिटेड रहता है। अगर क्वांट की कट ऑफ की बात करें ना, तो जिस तरह का लेवल आरआरबी पीओ प्री में देखने को मिला है तो सेक्शनल कट ऑफ तो बहुत कम देखने को मिलेगी, 10 के अंदर ही रहेगी। और एवरेज अटेम्प्ट जो स्टूडेंट्स के क्वांट में देखने को मिले हैं वो 15 से 20 के बीच में देखने को मिले हैं। मतलब कि जिनकी बहुत अच्छी क्वांट भी थी ना, उनके भी 22, 23, 21 इस तरह के अटेम्प्ट हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स क्वांट में 15+ बनाकर आए हैं, बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं। बाकी जिन्होंने आरआरबी पीओ प्री दिया है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं, आपका किस डेट और किस शिफ्ट में एग्जाम था, और आपके क्वांट में क्या अटेम्प्ट रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।